हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। आज की जो वीडियो है इसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएससी यूनिवर्सिटी का हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर टू देख रहे हैं। इसमें हमारे 7 वीडियोस आ चुकी हैं, ठीक है। 7 पार्ट्स आ चुके हैं यूनिट 1 में। यूनिट 1 ही चल गई है, अभी इसका 8वां पार्ट है आज, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आदत निर्माण एवं बाल्यावस्था की सामान्य समस्याएँ, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अच्छा, इसके बाद एक और वीडियो बची है और आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। 25 तारीख से आई नो एग्ज़ाम है, तो एक दो दिन में ही कोशिश करूँगी कि आपका जो पेपर 2 है वो कंप्लीट हो जाए और फिर पेपर 3 भी ऐसे ही जल्द ही कंप्लीट हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि आदत क्या है, ठीक है। आदत की परिभाषा, और जैसे कि अर्थ और परिभाषा हम जानते हैं, ठीक है। तो पहले हम अर्थ और परिभाषा जानते हैं कि आदत क्या होती है। तो देखिए, HE गैरेट के अनुसार आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचलित हो जाता है। यानी कि आदत क्या होती है, आपका एक व्यवहार है, ठीक है, जिसे कि आप बार 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 कर रहे हैं और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आप में होने लगता है। मतलब आप चाहें या ना चाहें आप वो करने लगते हैं, तो वही एक आदत होती है, ठीक है। MR लेडन के अनुसार आदत एक प्रकार का वह कार्य है जो प्रारंभ में स्वइच्छा से और जानबूझकर किया जाता है, परंतु बार बार दोहराए जाने के कारण वो स्वचलित हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक होने लगता है। फिर HJ आइजेनिक और उनके साथियों के अनुसार आदत एक प्रथागत व्यवहार प्रतिमान ज्ञानात्मक या संवेगात्मक प्रत्यातु है। प्रत्यातु के समय विद्यमान और कार्यगत परिस्थितियों के आधार पर इसकी भविष्यवाणी की जाती है। अधिगम प्रक्रियाओं द्वारा या अंतर्निहित अर्जित सेट अथवा प्रत्युतर प्रतिमान के प्रति प्रवृत्ति द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। कहने का अर्थ है, आदत क्या है, एक प्रथागत मतलब प्रथा के अनुसार व्यवहार प्रतिमान एक ऐसा व्यवहार है जिसमें ज्ञानात्मक और संवेगात्मकता दोनों ही मिली होती हैं, और इस समय पर जो भी आप कार्य करते हैं, जिस भी परिस्थिति में करते हैं, तो जिस तरह से आप कार्य कर रहे होते हैं उसी के आधार पर इसकी भविष्यवाणी आपके ऊपर की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें कि व्यवहार क्या होता है, मतलब आदत क्या होती है, तो आदत क्या होगा कि आपका एक ऐसा व्यवहार जो आप बार 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 करते हैं, शुरू में आप उसे जानबूझ के करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन उसके बाद वो आप में इस तरह से ऑटोमेटिकली होने लगता है, आप में इस तरह बस जाता है कि आप चाहें या ना चाहें आप उसे करने लगते हैं, तो वही चीज़ हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आदत वह व्यवहार प्रतिमान, ज्ञानात्मक प्रतिमान या संवेगात्मक प्रत्युतर है जिसका आरंभ में स्वेच्छा से अभ्यास किया जाता है, परंतु कुछ अभ्यास के बाद वह प्रतिमान का प्रत्यातु स्वचलित हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये ऐसा आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे हम पहले खुद से करते हैं, जानबूझ के करते हैं, और उसके बाद उसका जो अभ्यास है वो हमें इस तरह घुल मिल जाता है कि वो खुद होने लगता है। आदतें अधिगम द्वारा अर्जित की जाती हैं, और इसके संबंध में भविष्यवाणी प्रत्यातु के समय विद्यमान परिस्थितियों के आधार पर की जा सकती है। बालकों में आदत सीखने का परिणाम है। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द हैबिटस, यह शब्द संज्ञा है, और हैबर्स, यह शब्द क्रिया है, से हुई है, जिसका अर्थ किसी चीज़ को प्राप्त करना है। किसी को पान खाने की आदत तो किसी को सिगरेट पीने की आदत होती है। इसी प्रकार अनेक लोगों को बैटरी लेने की भी आदत होती है। बालकों में पढ़ने लिखने और संवेगात्मक अनुक्रियाएं या प्रवृत्ति है। आदतें बालकों के व्यवहार को बड़ी ही महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती हैं। आदतें बालकों के समायोजन में तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पूरी आदतें बालक के समायोजन में अधिक हो सकती हैं, साथ ही साथ
उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी अवरोध पैदा कर सकती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है, हम आदत को क्यों जान गए हैं, हम तो टीचर हैं, तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को इसलिए जानना है क्योंकि एक बच्चा जो होता है, ठीक है, वो बिल्कुल खाली किताब की तरह होता है, उसमें आदतों का निर्माण होता है, ठीक है। आपकी बचपन में, आप लोगों में भी कोई ना कोई आदतें रही होंगी जो कि आगे तक आती हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा रीडिंग की आदत होती है, आपकी हैबिट्स बनती है कुछ, ठीक है, जिन्हें हम हैबिट्स कहते हैं। किसी किसी को रीडिंग की आदत होती है, किसी को बहुत ज़्यादा खेलने की आदत होती है, किसी को किसी चीज़ की आदत होती है। तो आपको जब रोका जाता है, अच्छी या बुरी आदतें बनती हैं। किसी किसी को बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत होती है, किसी किसी को आदत होती है कि वो झूठ ही नहीं बोलता है, बिल्कुल सच बोलता है। तो ये इस तरह की कुछ आदतें होती हैं जो कि हर बच्चे में अलग अलग होती हैं, साथ ही उसके बालपन में ही उनका निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या काम है, एक बच्चे में आदत का जो निर्माण हो रहा है, ठीक है, पहले तो उसे सुधारना कि उनमें अच्छी आदतों का निर्माण हो। दूसरी चीज़, उनमें किस तरह की आदतें हैं, उन आदतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिगम कराना, यानी कि उन्हें पढ़ाना, उन्हें सिखाना, ठीक है। क्योंकि हर बच्चे की अलग आदत होती है, अलग इंटरेस्ट होता है, अलग अलग तरह वो एक्टिविटी करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर बच्चा समान नहीं है, लेकिन हमें हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए, हर बच्चे की शारीरिक, मानसिक, मनोवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, उनका विकास करना है, ठीक है। फिर देखिए आदतों की विशेषताएं। आदतें अधिगम द्वारा अर्जित की जाती हैं, मतलब आदतें सीखने से आती हैं। फिर आदतें स्वचालित होती हैं, आदतें खुद चलती हैं, मतलब ऑटोमेटिकली होती हैं। आपको अगर आदत है, आपको किसी लोगों को आदत होती है कि वो ना मतलब उन्हें कुछ खाने की आदत होती है कि आप मूवी देख रहे हो तो खा रहे हो, कुछ भी करते हुए आपको खाने की आदत होती है, तो अगर उनके पास वो मूवी देख रहे हो और उनके पास खाना नहीं है, तो इट मीन्स उन्हें बहुत अजीब लगेगा, उनको मूवी पे ध्यान भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत है उनके हाथ को, उनके मुंह तक जाने की, उनके मुंह को कुछ चबाने की। तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली होता है कि आपका मन करे या ना करे, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा, वो आप उसके आदि हो जाएंगे, ठीक है। आदत संबंधी कार्यों में एकरूपता होती है, मतलब आदत एक ही तरह से चलती है, ऐसा नहीं है वो बदलती रहती हैं। आदत जिस तरह की आप डाल देते हैं उसी तरह से चलती रहती है। फिर है आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपादित होते हैं, मतलब आदतें जो हैं वो बहुत जल्दी लग जाती हैं और उसका जो कार्य और व्यवहार है वो बहुत जल्दी ही आप में आ जाता है। फिर है आदत संबंधी कार्यों में बालक को ध्यान लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब आपको किसी कार्य की आदत हो जाती है, किसी काम को करने की आदत हो जाती है, तो आपको उसमें बहुत कम ध्यान लगाना पड़ता है, शुरू में आपको फोकस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आपको आदत हो जाती है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसी तरह से हो रही हैं कि हमारा काम हो जा रहा है। फिर है आदत संबंधी व्यवहार और कार्य शीघ्र और सरल ढंग से संपादित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब आपको किसी काम को करने की आदत हो जाती है तो आप उस कार्य को बहुत ही जल्दी और सरल ढंग से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आदत संबंधी कार्य बालकों के लिए बड़े ही रोचक और संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे ये कहना है कि आपने एक बच्चे को किसी तरह की आदत डाल दी, ठीक है, तो वो आदत कहीं ना कहीं उस बच्चे को रोचक लगने लगेगी, उसे संतोषजनक लगने लगेगी, मतलब उसे उस आदत को, मतलब उस काम को करके उसे बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। फिर है आदत संबंधी कार्य शुद्ध ढंग से संपादित होते हैं, इनमें त्रुटियां नहीं होती हैं। तो देखिए, जिस चीज़ की आपको आदत हो जाती है उस चीज़ में, उस काम में आपकी गलतियाँ जो हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको आदत हो गई है तो आप मोस्टली काम जो है वो सही ही करेंगे। फिर है आदतों के प्रकार। तो देखिए, व्यक्ति में कई प्रकार की आदतें पाई जाती हैं एवं यही आदतों का प्रकार उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। आदतों के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए, क्या होता है कि व्यक्ति में अलग अलग तरीके की आदत होती हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चे में अलग तरीके की आदत होती हैं और बड़े होते होते वही आदतें बढ़ती चली जाती हैं। यही आदतों के प्रकार और हमारे जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसका निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है शारीरिक आदतें। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति में पाई जाने वाली शरीर से संबंधित आदतें आती हैं, जो कि हमारे शरीर की आदतें होती हैं।
जैसे सिगरेट पीना, तंबाकू, पान सुपारी खाना, भोजन करने के पश्चात मिठाई खाना, व्यायाम करने की आदत, मतलब शरीर से जुड़ी जितनी भी आदतें हैं, ये जो आदतें होती हैं ये सभी किस में आती हैं, शारीरिक आदतों में आती हैं। फिर आता है यांत्रिक आदतें, तो बुद्धि का प्रयोग किए बिना, एक बगैर किसी प्रयत्न के किए जाने वाले कार्य यांत्रिक आदत के अंतर्गत आते हैं, जैसे गाड़ी चलाना, पहनने के पश्चात कमीज पैंट आदि वस्तुओं के बटन लगाना, जूते के फीते बांधना। जैसे कि हम बचपन में कुछ चीज़ सीखते हैं, ठीक है, आपको बचपन में टाई पहनना सिखाया जाता है, हर बच्चे को टाई पहननी नहीं आती है, ठीक है, आपको जूतों के फीते बांधने सिखाए जाते हैं, ठीक है, बचपन में बच्चे बटन भी गलत लगा देते हैं, बटन लगाने सिखाए जाते हैं, ठीक है, गाड़ी चलाना सिखाया जाता है, साइकिल चलाना सिखाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये वो आदतें होती हैं जो कि आप धीरे धीरे सीखते हैं और उसके बाद ये चीज़ें आपको आ जाती हैं, ठीक है, उसके बाद आपको कोई बार बार नहीं सिखाता है, आपको आ जाती हैं और आप इन्हें चलाने में फिर गलती नहीं करते, इन कामों को करने में गलती नहीं करते। ये चीज़ें क्या हैं, यांत्रिक आदतें हैं आपकी, जो कि किसी न किसी यंत्र से संबंधित हैं, चाहे वो बटन लगाना है, ठीक है, चाहे वो फीता बांधना है, चाहे वो आपका गाड़ी चलाना है, चाहे वो साइकिल चलाना है, ठीक है, ये जो काम होते हैं ये सभी काम किस में आते हैं, यांत्रिक आदतों के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, भावनाओं से संबंधित आदत, व्यक्ति में संवेगों, अनुभूतियों, भावनाओं आदि से संबंधित कई आदतें पाई जाती हैं, जैसे माता पिता द्वारा अपने बच्चों को प्यार करना, किसी प्रिय मित्र या व्यक्ति से प्रतिदिन मिलने की आदत, बड़ों के पैर छूने की आदत, नमस्ते करने की आदत, बहुत सी आदतें हैं जो हम बच्चों में डालते हैं और वो आदतें बच्चों में आ जाती हैं। तो ये कैसी आदतें होती हैं, भावनाओं से संबंधित आदतें, क्योंकि इसमें भावनाएं दिखाई देती हैं। फिर आता है नैतिकता से संबंधित आदतें, तो इसके अंतर्गत वे आदतें आती हैं जो नीतिपूर्ण बातों से संबंधित होती हैं, जैसे कि हमेशा सच बोलने की आदत, आदर्शों का पालन करने की आदत, कड़ा परिश्रम करने की आदत, ठीक है, इसके अलावा बड़ों का सम्मान करने की आदत, ठीक है, छोटों से प्रेम करने की आदत, इस तरह की जो आदतें होती हैं, अपनी चीज़ें शेयर करने की आदत, तो ये जो आदतें होती हैं ये आदतें किस में आती हैं, नैतिकता से संबंधित आदतें हैं, नैतिकता में आती हैं। फिर आता है भाषा से संबंधित आदतें, भाषा से संबंधित आदतें, जैसे आपने सुना होगा कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि लोग ना बार बार बोलते हैं, ठीक है, वो आदतों से संबंधित आते हैं, सॉरी भाषा से संबंधित आदतें हैं, ठीक है, जैसे किसी शब्द को बार बार बोलना, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि मैं बहुत सी मतलब जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आपको मैं बार बार थोड़ी थोड़ी देर में ठीक है शब्द बोलती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता कि कब मैं बोल दे रही हूँ। तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये इसमें आते हैं भाषा से संबंधित आदतों में। आप देखिए इसमें कि कुछ व्यक्तियों में शब्दों के उच्चारण से संबंधित तथा बातचीत के दौरान कुछ खास शब्दों के प्रयोग से संबंधित आदतें होती हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति में स की जगह श और श की जगह स बोलने जैसी, शशि को शशि, सुनीता को सुनीता का गलत उच्चारण करने की आदत होती है, तथा किसी व्यक्ति को बातचीत में बार बार किसी खास शब्द जैसे जो है सो, जो जैसे जो है सो, या फिर क्यों रे भाई, अरे भाई, मतलब नहीं क्या आदि का प्रयोग करने की आदत होती है ना। तो क्या है कि जैसे जैसे हम कुछ शब्द बोलते हैं, ठीक है, हमारा एक लोग कहते हैं कि तकिया कलाम बन गया इसका ये, तो ये बार बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये वाले जो शब्द होते हैं ये किसमें होते हैं, भाषा से संबंधित शब्द होते हैं। फिर आती हैं विचारों से संबंधित आदतें, विचारों से संबंधित आदतें हो गई व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं, रुचियों एवं इच्छाओं, विचारों के अनुरूप उसकी विचार संबंधी आदतें विकसित हो जाती हैं एवं वह उन्हीं के अनुरूप अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है। जैसे धर्म में अधिक रुचि रखने वाले व्यक्ति में धर्म से संबंधित बातों को सुनने सुनाने की आदत होना, इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा धन अर्जित करने की है तो उसमें धन अर्जित करने संबंधी विचार ही सुनने सुनाने की आदत होती है। कहने का अर्थ है विचारों से संबंधित आदतें, मतलब एक व्यक्ति जो है जिस तरह के वो विचार रखता है, ठीक है, उसी तरह की बातें वो बार बार सुनना चाहता है,
ठीक है, तो ये उसकी एक तरह की आदत होती है कि वो उसी तरह की बातें करता है और उसी तरह की बातें सुनना चाहता है। ठीक है, फिर आता है नाड़ी तंत्र से संबंधित आदतें। इसके अंतर्गत स्नायुविक विकार तथा मानसिकीय असंतुलन आदि से संबंधित आदतें आती हैं। इसमें व्यक्ति अचेतन मन से कुछ क्रियाएँ करता है, जैसे नाखून को तनना, पैर हिलाते रहना, हाथों से अथवा हाथ में आई हुई किसी भी वस्तु से टेबल बजाते रहना आदि। तो देखिए ये क्या होता है, नाड़ी तंत्र से संबंधित ये क्रियाएं होती हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं चलता आपका दिमाग कब ये काम करने लगता है। कुछ लोगों में आदत होती है कि वो कुछ भी काम करते हुए नाखून चबाने लगते हैं, ठीक है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि वो कब नाखून चबा रहे हैं, बट वो जब तक उन्हें पता चलता है तब तक नाखून कट चुका होता है। और पैर हिलाते रहना, कुछ लोगों में आदत होती है बैठे बैठे वो पैर हिलाते रहते हैं, लोग मना करते हैं बट फिर भी उनका पैर अपने आप जहाँ वो बैठते हैं हिलता रहता है। ठीक है, हाथ से टेबल बजाना या हाथ में आई किसी भी वस्तु से टेबल को बजाना या और भी बहुत से कार्य होते हैं जो कि हमें पता नहीं चलते और हम अपने आप करते रहते हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं ये आदतें होती हैं। ठीक है, और कई बार हमें पता नहीं चलता कि ये आदतें हमें कब लग गई। ठीक है, फिर आता है आदतों का निर्माण। तो आदतों का निर्माण किस प्रकार होता है ये जानते हैं। किसी भी कार्य अथवा क्रिया को करने की आदत डालना आसान कार्य नहीं है। आदतों के निर्माण के लिए बालक अथवा व्यक्ति को प्रयत्न करना आवश्यक है। ये प्रयत्न पूरे मनोयोग से किए जाएं तो आदतों का निर्माण किया जा सकता है। विलियम जेम्स ने स्वस्थ आदतों के निर्माण के कुछ सामान्य नियमों का प्रतिपादन किया है जो इस प्रकार है। स्वस्थ आदतों के निर्माण के सामान्य नियम देखिए, सबसे पहले है संकल्प की दृढ़ता। तो आप जिस भी काम को करने का संकल्प ले रहे हैं उसमें आपकी एक दृढ़ता होनी चाहिए कि हाँ हमें ये कार्य करना है। विलियम जेम्स द्वारा प्रतिपादित आदत निर्माण करने का पहला नियम यह है कि जिस कार्य को करने की आदत डालनी है उसको पूरा करने का दृढ़ संकल्प लें। मतलब आप पूरी तरह से सोच लें कि हाँ मुझे ये काम करना है, इसमें कितनी भी परेशानी पड़े या मुझे कितना भी अजीब लगे या कुछ भी हो, मुझे ये काम करना है, मतलब मुझे करना है, तो ये इस काम की आपको आदत पड़ने लगेगी। इस पे विलियम जेम्स ने एक परिभाषा भी दी है कि नई आदत को इतना दृढ़ और निश्चित क्रियात्मकता से आरंभ करो कि जितना संभव हो सके। ठीक है, क्योंकि जो नई आदत होती है, पुरानी आदत को छोड़ना और नई आदत को अपनाना आसान काम नहीं होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा दृढ़ता की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इच्छा शक्ति। तो ये आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है क्योंकि आपने दृढ़ संकल्प लिया है। ठीक है, अब आपकी इच्छा है कि आप उस संकल्प को कितना पूरा करते हैं। ठीक है, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, आप अपने दृढ़ संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तभी आपकी एक आदत बन पाएगी। फिर आता है निरंतरता। तो किसी कार्य को निरंतर करना, बार बार करते रहना, करना फिर से प्रैक्टिस करना, फिर से करना और इस तरह से आपको एक दिन उस काम की आदत पड़ जाती है। फिर आता है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता होता है कि आपने काम को शुरू किया, शुरू में आपको दिक्कत पड़ी, आपको परेशानी पड़ी, आपको उस काम को करने में टाइम लगा, धीरे धीरे आपको वो काम सरल लगने लगा क्योंकि वो काम आपको आने लगा। ठीक है, आपकी टाइम कम लगने लगी, आपकी प्रैक्टिस होने लगी, तो इस तरह से ये जो चीज़ें होती हैं ये क्रियाशीलता आती है आपके काम में और आपको इंटरेस्ट आने लगता है और एक दिन आपकी ये आदत बन जाती है। फिर नेक्स्ट है अभ्यास। किसी भी काम को आदत बनाने के लिए आपको उस काम का बार बार अभ्यास करना होगा। ठीक है, बार 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 उसकी प्रैक्टिस करनी होगी आपको, बार बार उसे रिवाइज करना होगा और उसके बाद ही वो चीज़ आपकी आदत बनेगी। फिर नेक्स्ट आता है आदर्श। आदर्श क्या होता है कि एक उदाहरण, कहने का अर्थ है एक उदाहरण आदर्श, कि वो आपको इंस्पिरेशन मानेंगे तभी आपके जैसा कार्य करेंगे। जैसे कि माता पिता होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, अगर वो बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो बच्चे को अपने आप बड़ों का सम्मान करना आ जाता है। ये भी एक आदत निर्माण का नियम है। अगर बच्चा देखता है कि उसके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है, वो बड़ों का सम्मान नहीं किया जाता, छोटे से प्यार नहीं किया जाता, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अग्रेसिव एक्टिविटीज़ आने लगती हैं, वो लड़ाई झगड़े ज़्यादा करने लगता है, वो अच्छे से बोलना बंद कर देता है, लोगों से बड़ों का सम्मान नहीं करता, तो ये चीज़ें जो हैं ये अपने आप उनमें आने लगती हैं। ये परिवार पर डिपेंड करती हैं
जो माता पिता हैं वो एक दूसरे से कैसा व्यवहार करते हैं, घर में अपने बड़े बुजुर्गों से कैसा व्यवहार करते हैं, बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं। तो एक बच्चा जब अपने माता पिता को देखता है तो वो खुद सीख जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे माता पिता की छाप होते हैं, और मतलब बच्चों से ही पता चल जाता है कि माता पिता कैसे हैं, क्योंकि बच्चे उनकी आदतों को अपने आप सीख जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि माता पिता उन्हें सिखाते हैं कि भाई आप लोगों से लड़ो, झगड़ो, गुस्सा करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि वो देख के खुद सीख जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आदर्श पुरस्कार एवं दंड। ये क्या होता है, किसी आदत का निर्माण करने के लिए, अगर हमारे बच्चे में कोई बुरी आदत है और हमें उसमें अच्छी आदत का निर्माण करना है, उसकी बुरी आदत को ख़त्म करना है, तो उसे कोई भी अच्छा काम करने पर पुरस्कार दें और कोई भी बुरा काम करने पर या गलत काम करने पर दंड दें। इससे क्या होगा, बच्चे को पता चलेगा कि भाई कौन सी बुरी आदत है जिन्हें मुझे रोकना चाहिए जिससे मुझे दंड ना मिले, और कौन सी अच्छी आदतें हैं जिन्हें मुझे अपनाना चाहिए जिससे कि मुझे पुरस्कार मिले। फिर नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण। आदत जन्मजात पाए जाने वाला गुण नहीं है, ये अर्जित करनी पड़ती हैं। अतः समुचित एवं उपयुक्त प्रशिक्षण द्वारा बालक में अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है कि प्रशिक्षण मतलब उन्हें शिक्षित करना। तो किसी भी बच्चे में जन्म से आदतें नहीं होती, वो जन्म के बाद आती हैं, धीरे धीरे बनती हैं। तो अगर हम चाहें तो उनमें अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आदत निर्माण के सिद्धांत। तो माता पिता, अभिभावक एवं परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बालकों में स्वस्थ आदतें के निर्माण के कुछ विशिष्ट नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है क्रिया एवं परिस्थिति का संबंध। जिस क्रिया अथवा कार्य को आदत में बदलना होता है उसका संबंध उस परिस्थिति से स्थापित करना चाहिए जिस परिस्थिति में उस क्रिया को करना है, ठीक है। मतलब अगर आप में आपको एक बालक में नियमित अध्ययन करने की आदत डालनी है, आपको उसका संबंध अध्ययन से बना के रखना पड़ेगा। यानी कि अगर वो टीवी देखते हुए पढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आप उसे बिल्कुल डांट दीजिए, मना कर दीजिए, और उसके कमरे में एक ऐसा वातावरण का निर्माण कीजिए जिसमें कि उसे पता चले कि हाँ, ऐसे वातावरण में बैठ के पढ़ा जाता है, और उसका अन्य वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित ना होने दें, ठीक है। तो ये क्या होती हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ हमें बनानी पड़ती हैं जिससे कि जो क्रिया है उसका निर्माण हो सके। फिर है क्रिया की पुनर्वृत्ति के लिए प्रोत्साहन। तो यहाँ पे यदि आपको, आप एक बच्चे को कोई काम देते हैं, ठीक है, और उसे आपको उसके व्यवहार में लाके आदत बनानी है, तो उससे कहिए कि वो ये काम बार बार करें, रोज़ करें। जैसे कि हम बच्चों से ब्रश करने के लिए कहते हैं, या हम बच्चों से डेली स्कूल से आते ही होमवर्क के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक आदत बन जाती है, हम उसे डेली ये काम करवाते हैं, डेली इस काम को कहते हैं, डेली पढ़ने के लिए कहते हैं, तो धीरे धीरे करके बच्चे में ये आदत बनने लगती है। फिर आता है आवश्यक हस्तक्षेप ना करें, ठीक है। अनावश्यक हस्तक्षेप से क्या मतलब है, आदतों के निर्माण के लिए एक नियम यह भी है कि जब बालक किसी क्रिया की पुनर्वृत्ति करने लगे तो समय की कमी या वस्तु के व्यर्थ ही नष्ट होने की संभावना से अथवा किसी नुकसान के भय के कारण बालक को स्वयं उसके कार्य नहीं करने देने के बजाय माता पिता या उसके अभिभावकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा संपादित कर देना या बालक को बार बार रोकना दोनों ही अनुचित होते हैं। हो सकता है प्रारंभ में यह नुकसान हो, समय भी अधिक लगे, किंतु बाद में उस बालक उस कार्य को सीख स्वावलंबी बन जाएगा, और आदतों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य बालक को स्वावलंबी बनाना है। कहने का अर्थ क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि होमवर्क करने की, जैसे आप बच्चे में आदत डाल रहे हो, ठीक है, बच्चा होमवर्क करने में टाइम लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, भाई होमवर्क करने में टाइम लगता है, ठीक है, आपको लगता है मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ ये काम, लेकिन बच्चे में आप आदत डाल रहे हो तो बच्चा 1 घंटा लगा रहा है, आपको लग रहा है यार ये तो बहुत टाइम लगा रहा है, बिल्कुल क्यों टाइम लगा रहा है, बार बार उसे रोक दिया, या तो चल थोड़ी देर में कर लेना, अभी बाद में कर लेना, अभी मेरा मन नहीं है बैठने का, भाई बाद में करना, तो ये चीज़ क्या है, उस बच्चे की आदत ख़राब हो जाएगी। या फिर आपने क्या किया कि यार 10 मिनट में तो मैं काम कर दूंगा, तुझे क्यों 1 घंटे बैठाना है, मैंने अपना उसका होमवर्क करके दे दिया, तो ये क्या है, ये भी गलत है। इससे भी क्या है, बच्चे में गलत आदतों का निर्माण होगा, वो अपने होमवर्क के लिए किसी और को ढूंढा करेगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट
दृढ़ता किंतु सहानुभूतिपूर्वक। ठीक है, मतलब आप किसी भी काम को जब आप एक बच्चे को करवा रहे हैं, उसमें उसका आदत का निर्माण करवा रहे हैं, तो वो काम दृढ़ता से करवाएं, यानी कि उसे वो काम डेली करने के लिए कहें। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखें कि अगर वो उस काम को नहीं करना चाह रहा है, फिर भी आप उससे वो काम करवाएंगे। ठीक है, थोड़ा सख्त बन के कहें, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक, यानी कि उस पर किसी भी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। ठीक है, आप उसमें इस तरह का थोड़ा सा अपना इस तरह का डग बैठाएं कि हाँ, अगर आप खड़े हैं तो वो काम कर दे, है ना। इसके लिए ये नहीं है कि आप उसे डरा रहे हैं, ठीक है, या मार रहे हैं, धमका रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको उसकी आदत का निर्माण करना है, तो आपको सिर्फ उसे डांटना है और उसे वो काम डेली करवाना है, कुछ करवाना है। और जैसे ही कोई बच्चा अपना काम कंप्लीट करता है, उसके बाद उसे पुरस्कार देना है, जिससे क्या होगा कि उसमें एक अच्छी आदत भी आएगी, साथ ही उसमें आपसे ऐसा भय भी नहीं होगा या कुछ उसके संग गलत नहीं होगा। ठीक है, और ना ही उसमें किसी प्रकार का मानसिक बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है कार्यों का आनंददायक परिणामों से संबंध। तो इसके बाद क्या आता है कि किसी भी बच्चे को जब आप कोई काम करवा रहे हैं, तो उससे काम इस तरह से करवाइए कि उसे काम करते हुए आनंद आए। ठीक है, या फिर उसे आनंदित परिणाम बताइए। जैसे कि आपने एक बच्चे को होमवर्क करने के लिए कहा स्कूल जाते, तो आप उससे कहिए कि आप होमवर्क करने के बाद खेलने जा सकते हो। उसे पता है कि अगर मैं जैसे ही होमवर्क करूँगा, मैं खेलने चला जाऊँगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसे आनंददायक परिणाम मिलेगा। मतलब काम करने में, उसे होमवर्क करने में दुख हो रहा है, लेकिन उसे होमवर्क करते ही पता है मैं खेलने जा सकता हूँ, तो उसे इस बात की खुशी होगी कि मैं खेलने जाऊँगा और वो अपना काम जल्दी ही कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बाल्यावस्था की समस्याएं। अब जब बालक अपनी बाल्यावस्था में होता है, ठीक है, तो लगभग 6 साल से लेकर 12 साल तक की जो एज होती है, वो बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। तो उस समय तक ही बच्चे में आदतों का निर्माण होने लगता है, लगभग हो जाता है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते करते बच्चे अपने ऊपर निर्भर रहने लगते हैं। वे अपने दैनिक कार्य, स्नान करना और कपड़े पहनना आदि स्वयं करने लगते हैं। अब जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे उनका शारीरिक एवं मानसिक विकास होता है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण में उनका शारीरिक विकास तेज़ी से होता है, साथ ही उनकी मानसिक शक्तियों जैसे संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना, स्मरण एवं चिंतन का और भी अधिक विकास होता है। बाल्यावस्था के दूसरे चरण में उनके शारीरिक विकास में परिपक्वता आती है और पूर्व विकसित मानसिक शक्तियों में और अधिक विकास होता है, और साथ ही चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण और समस्या समाधान की उच्च मानसिक शक्तियों का विकास होता है। परिणामतः उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहार में परिवर्तन होता है। वैसे यह परिवर्तन माता पिता अथवा शिक्षकों के लिए कोई चुनौती या समस्या नहीं होता, परंतु फिर भी इस अवस्था में बच्चों का सही दिशा में, सही रूप में विकास हो, इसके लिए माता पिता और शिक्षकों को कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। हम यहाँ बाल्यावस्था की सामान्य प्रवृत्तियों और उनकी संतुष्टि की विधियों की चर्चा संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संक्षेप में आपको क्या बताई गई है, जो बाल्यावस्था होती है, जो बच्चों की सामान्य प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और उसके अंतर्गत जो भी समस्याएं आती हैं, उन चीज़ों को बताया गया है। सबसे पहले उनमें प्रवृत्ति कौन सी होती है, आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति। तो जैसे जैसे बच्चे का विकास होने लगता है, वो कुछ काम करने लगता है, तो उसमें एक आदत बन जाती है अपने रोजमर्रा के काम को करने की, वो खुद पे डिपेंड होने लगता है। जैसे कि शुरू में जब बच्चा नया नया स्कूल जाना शुरू करता है, तो उसके माता पिता उसे तैयार करते हैं, या तो माँ या तो उसके पिता, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनके बाल काटते हैं, उन्हें नहलाते हैं, ये काम वो करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं, आप देखेंगे कि वो अपने आप तैयार होने लगते हैं, ठीक है, अपने आप नहाने लगते हैं, अपने आप अपनी ड्रेस पहनने लगते हैं, बाल काटने लगते हैं। तो ये काम क्या करने लगते हैं, बच्चे खुद करने लगते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति उनमें आती है। फिर नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता की प्रवृत्ति। बच्चे क्या होते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। स्वतंत्र होने का मतलब है कि वो
खुद ये नहीं चाहते कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमें बात बात पर टोके या घूके, तो इसलिए उन्हें खुद, जैसे आप शुरू में उन्हें घूकोगे कि भाई अभी पहले बाहर नहीं जाओगे, पहले होमवर्क करोगे उसके बाद बाहर जाओगे, धीरे धीरे बच्चे में आदत बन जाएगी कि वो स्कूल से आएगा पहले होमवर्क करेगा उसके बाद ही खेलने जाएगा, जिससे कि आप उसे इस बात के लिए ना टोकें कि पहले होमवर्क करो और उसके बाद खेलने जाना, ठीक है। तो ये एक होता है कि स्वतंत्रता की प्रवृत्ति आती है, क्योंकि बच्चों को भी भाई बुरा लगता है, बच्चों को भी गुस्सा आता है कि ये हमें बार बार क्यों रोकते हैं, बार बार क्यों टोकते हैं, ये हमसे क्यों कहते हैं, हमें नहीं पता कि हमें ये काम करना चाहिए। तो एक तरह से जब बच्चे को ये लगता है कि नहीं, ये मुझे बार बार अपने आप को टुकवाना नहीं है, बार बार नहीं सुनना मुझे, या मुझे डांट नहीं खानी है, तो वो क्या है, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए वो काम अपने आप करने लगते हैं, ठीक है। सामूहिकता, समूह में रहने की प्रवृत्ति, समूह में रहने की प्रवृत्ति क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, तो बच्चे को अकेलापन पसंद नहीं होता, उसे लोगों का साथ पसंद होता है, चाहे वो स्कूल में फ्रेंड्स बनाने हों, कॉलोनी में फ्रेंड्स बनाने हों, अपने अड़ोसी पड़ोसी हों, किसी से भी बातचीत करना, बोलना खेलना उसे पसंद होता है, उसे नए लोगों से मिलना पसंद होता है, बोलना पसंद होता है, उन्हें जानना पसंद होता है, अपनी छोटी छोटी चीज़ें दूसरों को दिखाना पसंद होता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, सामूहिकता में रहने की प्रवृत्ति होती है बालकों के अंदर। नेक्स्ट आता है प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति। प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या होती है कि जो बच्चे होते हैं उन्हें आपने देखा होगा वो बहुत क्वेश्चंस करते हैं, बहुत से बच्चे होंगे बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, ये क्यों है, ये इसलिए है क्यों है, ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा होता है तो ये ऐसा क्यों नहीं होता है, इसे ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बच्चों के मन में पड़े आते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये प्रबल जिज्ञासा होती है कि उनमें बहुत जिज्ञासा होती है, वो बहुत जिज्ञासु होते हैं कि मुझे जानना है भाई ये नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, और ये होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए बच्चे काफ़ी परेशान कर देते हैं, तो ये क्या होती है, एक उनमें प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होती है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए वैसे तो समस्या नहीं होती, लेकिन ये एक समस्या बन जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं पता है और बच्चा उस चीज़ के लिए हमें परेशान करता रहता है कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता या ऐसा क्यों होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति। प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति क्या है कि बच्चे में कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना होती है कि बच्चा दूसरे से तेज करना चाहता है, ठीक है, वो अपने भाई बहन है, दोस्त हैं, कोई भी हैं, आप दो बच्चों से कहिए कि भाई मान लीजिए दो बच्चे आपने बैठाए, ठीक है, दोनों को एक एक घंटा लगता है अपना होमवर्क करने में, आप उसे कहिए कि इससे पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करेगा, जो पहले करेगा उसे मैं गिफ्ट दूंगी। दोनों बच्चे एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में लग जाएंगे, शायद बड़ा ना लगे, ठीक है, लेकिन बच्चा उस प्रतिस्पर्धा में लग जाता है और अपना होमवर्क वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहता है कि मैं भाई उससे पहले कर दूं, तो वो अपने होमवर्क में करने में एक घंटा ना लगाने की जगह 45 मिनट 50 मिनट में ही अपना होमवर्क कर देगा। तो ये क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना होती है बच्चे में जो बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो फर्स्ट आना चाहता है, वो चाहता है कि अगर वो उसकी मैंटेलिटी होती है कि अगर मैं फर्स्ट रहूँगा, अगर मैं सबसे अलग रहूँगा, सबसे अच्छा रहूँगा, तो मुझे सब लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा वाली भावना बहुत जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति क्या है कि बच्चे में ना एक आदत होती है चीज़ों को इकट्ठा करने की, चीज़ों को इकट्ठा करने की, वो छोटी छोटी पेंसिल से इकट्ठी करते हैं और रबड़ इकट्ठी करते हैं और भी छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, कुछ लोग, कुछ बच्चे चुंबक जो आती है वो इकट्ठी करते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग तरीके के स्टोन्स इकट्ठे करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चे इकट्ठे करते हैं, ठीक है। उनमें उन्हें अच्छा लगता है अलग अलग चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को कलेक्ट करना और उनका कलेक्शन करके रखना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये एक संग्रह की प्रवृत्ति होती है जो कि आपको बच्चों में देखने के लिए बहुत अधिक मिलेगी। वो अपने खिलौनों को भी संग्रह करके रखते हैं, पेन का संग्रह करके रखते हैं, पेंसिल का संग्रह करके रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने के लिए मिल जाएंगी बच्चों के पास जो वो इकट्ठी करते हैं, ठीक है। फिर आता है रचना की प्रवृत्ति। रचना की प्रवृत्ति क्या है, छोटा बच्चा जो होता है ना वो जैसे कि बहुत जिज्ञासु होता है, तो जब वो देखता है कि ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता, ये ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, तो वो कहीं ना कहीं उसमें रचना की प्रवृत्ति भी आती है, वो किसी ना किसी चीज़ का निर्माण करता रहता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ों को उलट पुलट करता रहता है, खोलना बंद करना, वो जानना कि उसके अंदर क्या है, वो क्यों है, वो कैसा है, चाहे वो उसे सही ना कर पाए, ख़राब कर देते हैं कई बार बच्चे चीज़ों को, लेकिन उसे उन चीज़ों की रचना करने का मन करता है, उसमें एक जिज्ञासा होती है कि मैं भी इस चीज़ का निर्माण करूँ, ठीक है, उसमें भी एक क्रिएटिविटी आती है, तो वही चीज़ होती है रचना की।
प्रवृत्ति। फिर आता है सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रवृत्तियाँ। अब ये क्या होती हैं, ये कैसी आदतें होती हैं भाई, ये भी समस्या वाली बात है। कुछ आदतें होती हैं जो बच्चे में बहुत ही अच्छी होती हैं और कुछ आदतें होती हैं जो बहुत ख़राब होती हैं। दोनों तरीके की आदतें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्या होता है कि बच्चे में कभी तो सकारात्मक प्रवृत्ति होती है, सकारात्मक प्रवृत्ति मतलब वो सभी से प्रेम करता है। कभी वो नकारात्मक प्रवृत्ति भी होती है उनमें, जैसे वो दूसरों की मदद नहीं करता, लोगों से द्वेष करता है, गुस्सा रहता है, लड़ता झगड़ता ज़्यादा है। ठीक है, एक दूसरे से लड़ाई करता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक नकारात्मक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों में जो सकारात्मक नकारात्मक प्रवृत्ति होती है ये कैसी होती है, ये बहुत ही कम समय के लिए होती है। ठीक है, कम समय के लिए होने का मतलब है कि आपने बच्चों में देखा होगा लड़ाई करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बाद बोल लेंगे, होता है। तो ये क्या होता है कि उनकी सोच नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कर पाती है। उन्हें अगर बुरा लगता है वो बोल देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो सॉरी बोलते हैं, एक दूसरे से बट्टी कर लेते हैं और उनकी जो लड़ाई होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या होती है, उनकी जो प्रवृत्ति है सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्ति इसके अंतर्गत आती है, जिसमें कि जो बच्चा है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से देखता है और अपने वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए तैयार होता है। ठीक है, ये जो प्रवृत्ति है ये उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का ही विकास करने में सहयोग देती है। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।